माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई, जिसकी वजह से पूरे देश की जनता का लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ा है, न्यायालय पर भरोसा बढ़ा है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से काम करने का तरीका है कि लोगों की सदस्यता ले ले, हमें उम्मीद है औरों की भी सदस्यता वापस होगी। मोहम्मद आजम खान साहब, उनके बेटे या बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता बहाल होने पर जहां एक तरफ कांग्रेस में जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी इस फैसले के बाद रामपुर से पूर्व विधायक आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को लेकर आस जगी है। हमें उम्मीद है औरों की भी सदस्यता वापिस होगी। मोहम्मद आजम खान साहब, उनके बेटे या बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सदस्यता छीनी गई है। कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी जी का सवाल है, सदस्यता बहाल हुई है, बधाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई, और लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ा है, माननीय न्यायालय पर भरोसा बढ़ा है इस फैसले के बाद। सोमवार को यूपी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली पर सुप्रीम कोर्ट को बधाई देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न्याय मिला, इस फैसले से कोर्ट पर भरोसा बढ़ा है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि उम्मीद है कि सपा के पूर्व विधायक आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता भी जल्द बहाल कर दी जाएगी। सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई, जिसकी वजह से पूरे देश की जनता का लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ा है, न्यायालय पर भरोसा बढ़ा है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से काम करने का तरीका है कि लोगों की सदस्यता ले ले, हमें उम्मीद है औरों की भी सदस्यता वापस होगी। मोहम्मद आजम खान साहब, उनके बेटे या बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से लोकतंत्र और न्यायालय पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। ये बीजेपी के काम करने का तरीका है कि वो लोगों की सदस्यता छीन लेना चाहती है। इस दौरान सपा प्रमुख ने इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखते हैं कि औरों की सदस्यता छीनी जाती है या नहीं, और अब ये भी देखना है कि कुछ लोगों के खिलाफ हुआ है तो उनकी सदस्यता जाएगी कि नहीं जाएगी। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी कैसे खत्म हो, रोजगार कैसे मिले, उस दिशा में सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। आज जनता रो रही है, बिजली है नहीं, और बिजली का भी बिल कितना देना पड़ रहा है, बिजली का संकट है। किसान का संकट इसलिए है कि उसकी पैदावार को सही मूल्य नहीं मिला, और जो नुकसान हुआ या जो नुकसान होने जा रहा है बाढ़ से, सूखा से, क्या सरकार उसके लिए मदद के लिए तैयार है? आपको बता दें कि इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को सांसदों और विधायकों से जुड़े मामले की सुनवाई करने वाली एमपीएमएलए कोर्ट ने 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। उन पर 2011 में बिजली आपूर्ति कंपनी के कर्मचारी के साथ मारपीट करने का आरोप था। यहां आपको भी बता दें, किसी भी अपराध के लिए 2 साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा पाने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत तत्काल अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है।